सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग क्रेन। सो लास्ट वीडियो में हमने स्टेप 3 एंड स्टेप 4 डिस्कस किया था। हमने वेबपैक के बारे में डिस्कस किया था और हमने एक और फोल्डर बनाया था जिसका नेम था स्क्रिप्ट्स, और उसमें हमने फाइल बनाई थी start.js। अब इस वीडियो में यानी कि स्टेप 5 में हम लोग क्या करेंगे, एक bootstrap.tsx फाइल बनाएंगे हमारे src फोल्डर में, ओके। और क्या करेंगे उसमें, जो भी हमारा index.tsx का कंटेंट होगा वो हम लोग उसमें पेस्ट कर देंगे, ओके? तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। क्रिएट बूटस्ट्रैप डॉट टी एस एक्स फाइल इन src फोल्डर ऑफ ऑल थ्री एप्लीकेशन एंड कॉपी ऑल द कोड फ्रॉम index.tsx टू bootstrap.tsx, ओके। अपडेट tsx विथ बिलो कोड। अब हमने जो tsx मारी फाइल तो खाली हो जाएगी क्योंकि हमने tsx वाला कोड जो है वो bootstrap में कॉपी पेस्ट कर देना है। अब क्या होगा, हम लोगों ने जो index.tsx है उसमें हमने ये वाला कोड कॉपी करना है। वो क्यों करना है, क्योंकि ये मतलब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जब भी हम लोग इट लोड्स bootstrap.tsx ऑन डिमांड, मतलब कि जब भी डिमांड होगी ना तभी वो इंडेक्स bootstrap.tsx का ही जो भी हमने कोड लिखा होगा वो ऑन डिमांड लोड करेगा, वो ऐसे ही बाय डिफॉल्ट लोड नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है, हर एक एप्लीकेशन में क्या होता है, सबसे पहले हमारी index.tsx फाइल ही लोड होती है, ओके। बट हमने यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने हर बार जब हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं तो हर बार हमने बाय डिफॉल्ट नहीं करवाना, जब हम लोगों को उसको लोड करने की कमांड दी जाएगी या डिमांड होगी तभी हमने उसको लोड करना। इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि बूटस्ट्रैप को एक और फाइल बना रहे हैं और इंडेक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट बूटस्ट्रैप फाइल, ओके। तो हम लोग करते हैं हर एक एप्लीकेशन में, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेते हैं कंटेनर। कंटेनर, अब यहाँ पे आप देखना ध्यान से कि जो हमारी हमने फाइल है ना वो इन src फोल्डर क्रिएट करनी, इस src फोल्डर में क्रिएट करनी, ओके। तो हम लोग कंटेनर में गए, यहाँ पे src फोल्डर में गए और यहाँ पे क्या करना है, bootstrap.tsx फाइल क्रिएट कर दी और जो हमारा इंडेक्स में है वो हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना, ओके। यहाँ पे इंडेक्स फाइल हमारी Ctrl+C हमने किया यहाँ पे और इसको हमने यहाँ पे लोड कर दिया, ओके। यहाँ पे आप इसको हटा सकते हो और इसको भी हटा सकते हो, इसकी कोई हमको नीड नहीं है, ये बिना उसके भी हम लोगों का वर्क कर जाएगा। और यहाँ से हम लोग इसको भी हटा देते हैं, ओके। ये हमने यहाँ पे सेव कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हर एक उसमें कर लेते हैं, ओके। हमने कंटेनर में किया, अब हम लोग करते हैं कोर्सेस में। bootstrap.tsx ये हमने बनाया और हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और सेव कर लिया, ओके। यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, ओके। यहाँ पे मैंने src के अंदर इसको नहीं क्रिएट किया, मेरे इससे बाहर हो गया, हमने यहाँ पे इसको मूव कर दिया, ओके। अब यहाँ पे इसकी जो एरर थी वो चली गई। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने कोर्सेस में किया वैसे हम लोग होम पेज में जाके src में जाके यहाँ पे bootstrap.tsx फाइल को क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इस कोड को भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे जो इंडेक्स है वो हमने यहाँ पे index.tsx में क्या करना है, ये 2 lines का कोड हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो इसको मैं यहाँ से हटा के ये वाला कोड जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया, ओके। अब इसको हर एक फोल्ड हर एक एप्लीकेशन में भी हमने करना है। src के अंदर आए, index.tsx में जो भी कोड था हमने उसमें यहाँ पे ये ऐड कर दिया, वैसे हमने क्या करना है कंटेनर वाले में भी src के अंदर आके index.tsx में आके हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ओके। तो ये था हमारा स्टेप 5, ओके। आपको समझ लगी कि बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने हर बार बाय डिफॉल्ट हर एक एप्लीकेशन की सबसे पहले जो index.tsx फाइल है वही लोड होती है, बट हमने उसको ऑन डिमांड लोड करवाना है, इसलिए हमने ये स्टेप 5 का यूज किया, ओके। अब स्टेप 4 जो था वो हम लोगों ने लास्ट स्टेप में कर लिया था कि हमने पोर्ट जो है वो हर एक एप्लीकेशन के चेंज करने हैं, ओके। अगर आपने नहीं लास्ट वीडियो देखी तो आप पहले लास्ट वीडियो देखाना, ओके। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा सारा का सारा सेटअप हो गया। अब हमने यहाँ पे सबसे फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था, ये वाली एप्लीकेशन बनाई थी, ओके। कॉम्पोनेंट बनाया था होम पेज का और कोर्सेज पेज का कॉम्पोनेंट बनाया था। अब यहाँ पे जो कोड है ये हमारा क्या है, जो हमारा कंटेनर है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने होम पेज और कोर्सेज पेज के कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं,
ओके वो हम लोग कहाँ कॉल कर रहे हैं, हमारे ऐप डॉट टीएसएक्स में, किसके, कंटेनर के. ओके तो ये मैं एज इट इज एक बार इसको कॉपी कर लेती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ओके वन मिनट. ओके यहाँ पे हम लोग कंटेनर में गए. ओके अब ओपन किया, यहाँ पे ऐप डॉट टीएसएक्स में खोला हमने इसको, और यहाँ पे हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया. ओके अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हमारा जो रिएक्ट राउटर डॉम है वो हमने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया. ओके तो वो एक बार इंस्टॉल कर लेते. कहाँ पे इंस्टॉल करना है, हमने अपने कंटेनर वाले फोल्डर के अंदर, क्योंकि हमारा कंटेनर वाले फोल्डर के अंदर ही वो यूज हो रहा है. तो हम लोग पहले टर्मिनल में जाके सीडी और उस एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं. हम लोग कंटेनर के अंदर आ गए और यहाँ पे क्या करना है, हमने npm i और ये वाली कमांड इंस्टॉल, npm i, और यहाँ पे मैंने ये रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल कर लिया. ओके जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारा ये वाला एरर चला जाएगा. ओके अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे हमने क्या किया. अब सबसे पहले देखना, यहाँ पे हमने ये तो ब्राउज राउटर को इम्पोर्ट किया, इसलिए हमने ये वाली कमांड लिखी. ओके क्योंकि हमने यहाँ पे ये राउटर और ये राउट्स हमने यहाँ पे यूज की. राउट्स क्यों यूज की, क्योंकि हम लोग एक एप्लीकेशन से हम लोगों ने क्या करना है, होम पेज और कोर्सेज वाले पेज को कॉल करना है. ओके लिंक के थ्रू कॉल करना है. तो यहाँ पे हमने ये वाली कमांड दे दी. ओके इसलिए हमने यहाँ पे ब्राउज राउटर का कॉल किया. अब यहाँ पे सबसे जो मेन है वो ये है, ये टू लाइन्स. ओके अब हमने इसमें क्या करना है, इम्पोर्ट करना है, हमने क्या करना है, होम पेज. होम पेज क्या है, जो हमने यहाँ पे कॉम्पोनेंट को यूज करना है. बट कहाँ से करना है, वो हमने करना है जो ये नेम है ना, ये नेम कहाँ से आया, जो कि हमने मॉड्यूल फेडरेशन में दिया था. ओके एक बार आप चेक कर लो, यहाँ पे होम पेज पे आते हैं हम लोग. ओके होम पेज के अंदर मॉड्यूल फेडरेशन के अंदर आइए और यहाँ पे देखो ये मेन पेज लिखा. ओके उसके बाद हमने लिखा होम पेज. ओके तो सबसे पहले कंप्यूटर को पता चल जाएगा, मतलब जो हमारा कंटेनर एप्लीकेशन है उसको पता चल जाएगा कि हमारा जो नेम है वो क्या था, मेन पेज. मेन पेज के अंदर आके उसने क्या करना है, होम पेज को कॉल करना है. ओके तो वही हमने यहाँ पे कमांड दी. तो हमारा ऐप डॉट टी एस एक्स है ये, यहाँ पे मेन पेज और फिर होम पेज. वैसे हमने कोर्सेज को भी कॉल वैसे ही किया, कोर्स पेज और उसके बाद कोर्स. मैं आपको कोर्स पेज का भी दिखा देती हूँ एक बार. ये हमारा एक बार मैं कोर्स इसका होम पेज का फोल्डर बंद करती हूँ और कोर्सेज का खोलती हूँ. यहाँ पे मेरी मॉड्यूल फेडरेशन है, यहाँ पे हमारा कोर्स पेज है और उसके बाद हमारा कोर्स है. ओके तो यहाँ पे वही हमने किया, कोर्स पेज और फिर कोर्स. ओके तो ये आपको ये लाइन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आपने कोई और नाम अपनी एप्लीकेशन में क्रिएट किया है तो आपने उसको वही नाम देना है. ओके उसके बाद हमने क्या किया, जस्ट सिंपली लिंक को क्रिएट किया. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, ये जो ये हमारा लिंक है. ओके जैसे हम लोग होम पेज पे क्लिक करेंगे होम पेज आएगा, और कोर्सेज में क्लिक करेंगे तो कोर्सेज आ जाएगा. वैसे हम लोग होम पेज पे करेंगे तो ये बेसिकली क्या है, लिंक टैग. ओके तो इसलिए हम लोगों ने लिंक टैग का यहाँ पे यूज किया. ओके तो ये हमारा एक जो सेटअप है वो क्रिएट हो चुका है. अब हम लोग एक बार इसको रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारे पास. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोर्ट है ये 3008 पे रन हो रहा है. अभी हमको शायद से एरर आएगा क्योंकि हमको ये जो एप्लीकेशन है ना ये दोबारा से रन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाय जो हमने स्टार्ट किया था ना तो हमने वहां पे पोर्ट को चेंजेस नहीं किए थे, तो बाय डिफॉल्ट 3001 पे रन कर रहा था और ये कर रहा था 3002 पे कर रहा था. तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने वहां पे पोर्ट दिया है. तो यहाँ पे एक बार मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ. पहले हम लोग अपनी इन दोनों फाइल को स्टॉप करके दोबारा से रन करते हैं. ओके आप समझ गए ना मैं क्यों दोबारा रन कर रही हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका ये पोर्ट ले रहा है 3001, बट हमने कंटेनर को एक एग्जैक्ट पोर्ट बताया है कि हमारा जो होम पेज है वो 3008 पे 9 पे आई थिंक वर्क कर रहा है. मैं एक बार इसको दोबारा स्टार्ट करती हूँ फिर आपको बताती हूँ. ये हमारा कोर्सेज है. अब यहाँ पे देखो जो कोर्सेज है वो 3009 पे कर रहा है क्योंकि हमने कमांड दी थी, बट पहले वो क्या कर रहा था, 3001 पे रन कर रहा था. तो यहाँ पे हमने इसको यस कर दिया. और वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा होम पेज है उसको भी हमने रोकना है. रोकना कैसे, कंट्रोल सी क्लिक करके हम लोग स्टॉप करेंगे और फिर हम लोग दोबारा करेंगे npm स्टार्ट. तो जैसे हम लोग npm स्टार्ट करेंगे अब आप देख सकते हो ये पोर्ट कहाँ पे रन कर रहा है, 3010, बट पहले ये दूसरे पोर्ट पे रन कर रहा था. ओके तो मैं ये पुरानी फाइल्स को एक मिनट के लिए बंद कर देती हूँ. npm start.
डॉट, और इसको भी हम लोग देते हैं npm स्टार्ट। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका जो कंटेनर है, ओके, जब भी आपका कंटेनर रन करेगा ना, तो वो तभी रन करेगा जब आपकी ये दोनों एप्लीकेशन अलग अलग रन कर रही है। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, होम पेज और हमारे कोर्स पेज को रन करवा लिया। अब देखो ये सही आ रहा है, लोकल होस्ट 10.3.0.1.0 और ये आ रहा है 3.0.0.9 पे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने कंटेनर वाले फोल्डर एप्लीकेशन को रन करेंगे। ओके, और ये किस में रन होगा, 3.0.0.8 पोर्ट पे। ओके, एक बार देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारे पास, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं ना। ये हमारा 3.0.10.9 और ये हमारा करेक्टली रन हो रहा है। तो अब जैसे ही कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कोर्स आ जाएगा, और अब आप जैसे ही होम पेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका होम पेज आ जाएगा। अब ये हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो फ्रंट एंड। अब आप देखो पहले ये एप्लीकेशन अलग अलग पोर्ट पे रन कर रही थी, 3.0.1.0 एंड 3.0.0.9, बट अब क्या कर रही है, ये 3.0.0.8 एक ही एप्लीकेशन है जो कि उसमें हम दोनों एप्लीकेशन को कंबाइन कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा होम पेज था। अब हमने कोर्सेज पे क्लिक किया तो हमारा कोर्सेज आ रहा है, वो भी अभी सेम पोर्ट पे रन कर रहा है। जैसे ही हम लोग होम पेज पे जाएंगे तो वो भी अभी हमारा सेम पोर्ट पे ही रन कर रहा है। तो ये हमारे स्मॉल सा यूज था कि हम लोग माइक्रो फ्रंट एंड कैसे यूज कर सकते हैं। अब आप चाहे कुछ भी यहाँ पे लिखो, चाहे होम पेज, कोर्सेज, कुछ भी लिखो, बट जो आपका वेब पैक, मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, वो सारा जो सेटअप है वो सिमिलर रहेगा। बस हमने क्या करना है, जो आपकी मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, सॉरी मॉड्यूल फेडरेशन फाइल, इसमें आपने ध्यान देना है कि आपका जो पाथ है और ये नेम है, ये आपका करेक्टली सेटअप हो। ठीक है, तो ये हमारी प्लेलिस्ट थी हाउ टू यूज माइक्रो फ्रंट एंड। अगर आपको कोई भी एरर हो, आपको कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।